करा दिया था आपको एक क्वेश्चन में, एक मैं करा देता हूँ आपको वन एंड टू, उसके बाद में फिर एक भैया से कराएंगे जिसे अब तक बुलाया था उनसे कराएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर हो गया हमारा, तो क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन 121 डिवाइड स्क्वायर ब्रैकेट 60 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3 राउंड ब्रैकेट 9 माइनस 6 क्लियर। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्टली वी कैन सॉल्व राउंड ब्रैकेट, सबसे अंदर का जो ब्रैकेट है, सबसे छोटा जो ब्रैकेट है, एंड इट इज द स्मॉलेस्ट ब्रैकेट, ऑलवेज द फर्स्टली सॉल्व। उसे हम रिमूव करेंगे, और रिमूव करने का तरीका क्या है, टू डिजिट होती है, टू डिजिट को वन डिजिट में कन्वर्ट करना। माइनस हो रहा है तो माइनस कर लेंगे, प्लस हो रहा है तो प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई होते मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे। जो भी उसके अंदर हमारे राउंड फिगर में ब्रैकेट में हमें शो हो रहा है वो हमें क्रिया करनी, बाकी सेम टू सेम हमें लिखना है, सेम टू सेम, डू नॉट चेंज, कोई जरा सा भी चेंज नहीं करना। तो 121 हमारा यहीं से सोल्यूशन शुरू हो जाएगा। 121 डिवाइड 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14 माइनस 3 9 माइनस 6 3 9 माइनस 6 3 एंड ये राउंड ब्रैकेट हमारा समाप्त हो गया, क्यों, इन दो से एक डिजिट बन गई 3। अब क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे एंड हमारा स्क्वायर ब्रैकेट 121 डिवाइड 16 माइनस कर्ली ब्रैकेट 14। अब इसमें आप देखें, ये हमारा डीएमएस के अकॉर्डिंग है, इज मल्टीप्लाई इन द बिटवीन 2 3 मल्टीप्लाई साइन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को चेंज करेंगे 3 3 9, तो 14 माइनस 9। अब 14 माइनस 9 करेंगे 121 डिवाइड 16 14 माइनस 9 आप बताओ भैया आप बताओ 14 माइनस 9 5 ये तो सुन के बच्चे बोलते बेटा 14 माइनस 9 इक्वल टू 5 आप ध्यान नहीं देते हो 16 माइनस 5 हमारा हो गया 16 माइनस 5 आप बताओ 16 माइनस 5 11 वेरी गुड 16 माइनस 5 11 हमें माइंड भी ओपन रखना है माइंड भी ओपन रखना है तो 121 डिवाइड 11 अब आप 121 यस यस सॉरी तो 121 को आप रफ काम कर रहे 11 बन जाए 11 2 माइनस 1 टेक डाउन 1 11 बन जाए 11 तो हमारे इन दोनों के प्लेस पर क्या आ गया 11। इस प्रकार से ये देखने में बड़े जरूर है लेकिन इन के सबसे पहले सबसे अंदर फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद करते चले जाओ अपना आप आंसर आ जाएगा ठीक है। अच्छा बच्चे अपने इसको अपना अपने नोटबुक में नोट करेंगे तो ये नोट देख तो हमें किन किन बच्चों ने नहीं किया अभी ओके जिन्होंने कल कर दिया था आज नहीं करेंगे जिन्होंने कल कर दिया था आज नहीं करेंगे और बच्चों को भी मौका दिया जाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 इज द सिंपल क्वेश्चन हैव यू राइट क्वेश्चन नंबर 4
ओनली क्वेश्चन डू नॉट द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 5, कर्ली ब्रैकेट ए प्लस साइन राउंड ब्रैकेट 4+2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2. दिस क्वेश्चन इज टिपिकल क्वेश्चन. थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. अब इसको मैं आपसे नहीं करवाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. ठीक है, अब आप सॉल्यूशन ये कर दिया आपने, फर्स्ट सेकंड लाइन हो गई आपकी. जल्दी से आप कर लीजिए, जल्दी जल्दी सब करेंगे. सब भैया बहनों का हो गया. yes, चलिए हम अपना ओनली 2 लाइन इरेज कर देते हैं, चाहते नहीं. अभी हमने बताया कि ऑलवेज शुड बी द फर्स्ट राउंड ब्रैकेट. तो इसमें राउंड ब्रैकेट ये वाला है. अब इसके अंदर आप देखो डीएमएस के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई भी है, एडिशन भी है. तो हम पहले डीएमएस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे. कर्ली ब्रैकेट 8+4+6 5 मल्टीप्लाई 2 दैट इज क्लियर. अब 4+6 राइट करेंगे. 8+4+6 10 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2. एनी प्रॉब्लम? सबको इतनी बात तो क्लियर है ना सब बच्चों को? अब नेक्स्ट लाइन कर्ली ब्रैकेट 8 इन द बिटवीन 10 and 5 डिवीजन. तो 10 को 5 से डिवाइड, भैया बोल दे 2. जो भैया रचित आप भी नहीं बोलते बेटा, आप भी बोला करो. 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आप भी 2 का. आप थर्ड में अच्छे थे, थर्ड में फटाफट जल्दी जल्दी बोलते थे. ठीक है, 5 2 10 मल्टीप्लाई 2 -2. नेक्स्ट लाइन सर. हाँ जी, नेक्स्ट लाइन आप बताओ. बस सर 10 माइनस 8. अब इन लोगों के बीच में क्या मल्टीप्लाई? तो आफ्टर द डिवीजन भी कहेंगे मल्टीप्लाई तो करते हैं. डी एम ए एस डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सबट्रैक्शन. तो हमारे क्या हो गया? -2. अब नेक्स्ट लाइन सर 10 आप ही बताते रहोगे. आप बताओ भाई, आप बताओ नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन बताओ. देखो बेटा, इसमें इन दोनों को ऐड करके बताओ अगले लाइन में क्या आएगा. 12 और नेक्स्ट और क्या होगा? 12 माइनस 2 10. आप नहीं पड़ेगा ध्यान रखते भैया, ये हमारा 10 आंसर आ गया. बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर है. अब एक बहन बोले कि हमारा आंसर 8 आ गया. आपका 8 आंसर रॉन्ग है. किस तरह से होगा ये? आप पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे. राउंड ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारा डिवीजन है, फिर डिवीजन करेंगे डी एम ए एस के अकॉर्डिंग. फिर डीएमएस के बाद फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट बन जाता है. कर्ली ब्रैकेट में फिर हमारी टैग में मल्टीप्लाई आते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे. तो ब्रैकेट भी साथ लेके चलना पड़ेगा और डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन उसे भी ध्यान रखना पड़ेगा. मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन बात ही नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना ही है. जो भी तो मल्टीप्लीकेशन होगी भाई, मल्टीप्लाई आप तो होगी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी. ठीक है, अब मैं आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, क्योंकि ये बड़े बड़े कठिन क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बोर्ड के पास बुलाकर आपसे नहीं करा रहा हूँ. आपको तरह करोगे सिंपल क्वेश्चन, कल टेस्ट लेंगे हम आपका, फिर मैं आपको बुलाकर आपसे ही करवाऊंगा. ठीक है, कल छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आपसे कराएंगे.
और लेकिन बेटा थोड़ा सा सिलेबस भी खींचना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हाफ ईयरली में आपके 12 चैप्टर आएंगे और अभी हम 5th चैप्टर को ही कर रहे हैं और अक्टूबर के 1st वीक में आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम है, अक्टूबर के 1st वीक में हो जाएंगे हाफ ईयरली। तो हमारे पास अगस्त और सितंबर 2 मंथ है, और इसमें छुट्टियां भी पड़ेंगी बहुत सारी, कभी जन्माष्टमी की छुट्टी पड़ेगी, कभी रामनवमी की पड़ेगी, कभी कैसी पड़ेगी, ये ऐसे छुट्टियां आएंगी, ठीक है। हाँ वो तो मैं बना दूंगा, लेकिन बेटा जिन बच्चों के घर पर मोबाइल की प्रॉब्लम, जैसे हमारे हर्ष भैया है, अब मैंने यहाँ वीडियो क्यों बनानी शुरू की, इसके 2 रीजन है, वीडियो भी बन रही है, हर्ष भैया भी सीख रहा है, और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो रही है वो घर पे जाके वीडियो को फिर दोबारा देख लेगा, ठीक है ना। तो इससे हमारे एक ही काम से कई सारे फायदे होंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 5 क्रिएट कर रहा हूँ, आप इतने आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल क्वेश्चन आर टिपिकल क्वेश्चन, 8.5 माइनस 2.8। सीमान साहब चेक करता रहा करो कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत लिख रहा हूँ, आपको मैंने कह रखा है ना कि मेरी मिस्टेक हो जाती है, मैं मिस्टेक कर देता हूँ। अरे फिर चश्मा पहन कर फिर मैं आपको नहीं देख पाता, फिर उसमें समस्या आती है, फिर आपको कैसे बोलना पड़ेगा, ये टेबल थोड़ी सी दूर के लिए कैसे लगाना पड़ेगा आपको देखने के लिए ऊपर से और इसको देखने के लिए, अब ठीक है चलो। 2.8 + 8.7 -7.5। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, +2.5 यू डन द आंसर ऑल स्टूडेंट, हैंड्स अप हुए, नॉट डन, जिसने नहीं किया वो हाथ खड़ा करेंगे, जिसने नहीं किया वो धीमे धीमे ही करते हो भैया, सब बच्चे कर चुके ठीक, मैं सारा इरेज नहीं करता हूँ, राउंड ब्रेकिंग एवरी वन ऑब्जर्व द इन दिस क्वेश्चन राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में 8.7 7.5 आप क्या करेंगे, पहले रफ काम कर लो 8.7 और 7.5। फोर्थ थर्ड क्लास में भी हमने सिखाया डेसिमल के अंडर डेसिमल आएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ध्यान रखें बाकी डिजिट कहीं भी आए डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। 7-5 तो 8-7 आप बताइए, यस अगर डेसिमल नहीं लगाया, अगर हमने डेसिमल बीच में नहीं लगाया तो क्वेश्चन रॉन्ग गलत हो जाएगा, तो डेसिमल इज द मार्क, क्योंकि डेसिमल के बगैर ये 12 हो जाएगा और डेसिमल लगाएंगे तो 1.2। वेरी गुड, 8.5 -2.8 +8.7 -7.5 टू 1.2 +2.5 आप जब ये इनको ऐसे बनाते हो ना तो दूर से देखोगे तो ये ऐसे लग रहे जैसे स्क्वायर आप इनको मिला दो तो स्क्वायर जैसा बन जाता है ना, तो ये जैसे स्क्वायर की साइड होती है ऐसे ही साइड होती है, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। 8.5 -2.8 +2 + 5 = 7 2 + 1 = 3 और बीच में डेसिमल आ रहा है, वेरी गुड। अब हमारे बच्चों को पता है, हो गया, इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब सब आप बच्चे हैं ना अच्छे हो, नेक्स्ट लाइन 8.5
माइनस फोर्थ नंबर एड, जो बच्चे ऐसे एड नहीं कर सकते वो ऐसे कर लो, 8 7 15 5 कैरी ऑन 1 6.5 वेरी गुड। हमारे ये वाले भैया तो बहुत ही अच्छे हैं। आंसर टू 5 - 5 0, बीच में डेसिबल, 8 - 6 = 2, तो हमारा आंसर आएगा 2.0। अगर आपकी बुक में ये नहीं दे रखा, ये भी हो सकता है आंसर बुक आपकी जो आंसर की है, दोनों सही है, 2.0 भी सही है और ओनली 2 भी सही है। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है? सब अच्छे समझ में आ रही है? वो भी सही, दोनों सही है, 2.0 एंड 2 आर बोथ इक्वल, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, डेसिमल के बाद जब 0 आते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। भाई मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 0 पैसे हैं, तो 0 पैसे हैं तो 0 तो कुछ होता है नहीं, हमें सारे के पास जेब खाली है, आप यही कहोगे सर की जेब खाली, सर की जेब में कुछ नहीं, ये तो बात आएगी। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा काम खराब हो जाता है। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल सिखाता हूँ, एक सेठ के पास इतने रुपए का चेक था, इतने रुपए का चेक था, एक सेठ के पास इतने रुपए का चेक था, जब काउंट करें 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10 lakh, 10 crore, 10 crore, 10 arab, 10 arab, अब ये खराब हो गया, अरब के बाद में आ गया खराब, वन खराब का चेक था। अब हुआ वो थोड़ा भार हो गया, ऊपर से एक चिड़िया ने बीट कर दी, क्या कर दी, बीट, चिड़िया ने बीट कर दी, अब वो बीट कहाँ गिरी, वो वन के ऊपर गिर गई, वन के ऊपर, इसके ऊपर गिर गई बीट, तो वो भी क्या बन गई, वो भी 0 बन गई। तो सारी अमाउंट का चेक कितना हो गया, कितने रह गए पैसे, अगर ये पहलवान जो लंबे लंबे से पहलवान है ये ना हो तो ये चाहे 0 कितनी है, कितनी भी 0 लगा लो, कितनी भी 0, इन 0 की वैल्यू 1 से है, अगर 1 नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमारे गुरु जी जो कहते हैं कि भगवान जो राम जी है, राम जी के साथ हम हैं, अगर वे नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, हम सब क्या है, हम सब 0 हैं और भगवान जी क्या है, वे 1 है और उनके कारण हम है, हमारे कारण वे नहीं है, उनके कारण, क्लियर है सबको। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा बीच में इस प्रकार की बात होती है तो बच्चों का अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलुकुलम उसमें आएगा, 7 3 - √3 - √3 सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा अपन से स्क्रीन पे देख के देखो लो, अच्छा यू हैव डन, कर चुके आप पहले, वेरी गुड, 3 - √3 - √ इसका आंसर तो मुझे लग रहा है 0 ही होगा। साइमन लावन के लड़का सा मार्ग गलत करवा दिया इन्होंने। एक बार अच्छा लिसन, हैव यू डन द क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 0 ही आएगा इसका, लिसन एवरीवन, अब देखो कल मैंने बताया था बिलुकुलम, बिलुकुलम बार ब्रैकेट ऑलवेज शुड बी द फर्स्ट नेम, ठीक है, सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए बार ब्रैकेट, अगर बार ब्रैकेट कहीं भी है, कहीं भी हो, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो चाहे पहले कहीं भी हो, सबसे पहले उसे सॉल्व करें। नंबर 2 पर राउंड ब्रैकेट, उसके बाद में ऑफ ब्रैकेट, अगर आपका है ऑफ भी होता है तो ऑफ को भी ध्यान लेंगे, अगर ऑफ नहीं है आपके क्वेश्चन में, ऑफ नहीं है,
आप छोटे भैया बहनों तो ऑफ वाला पोर्शन अगले साल आएगा फिफ्थ में जब आप आओगे। थ्री माइनस स्क्वायर ब्रैकेट थ्री माइनस कर्ली ब्रैकेट राउंड। अरे यहाँ पर माइनस है भाई, थ्री माइनस थ्री जीरो, वेरी गुड। और थ्री माइनस जीरो अरे थ्री माइनस जीरो जीरो क्या आएगा? थ्री। वो स्पेलिंग जीरो कौन जीरो बोल रहा था? अरे थ्री माइनस जीरो जीरो होगा। तो भैया सिवान सर कौन से टोपी खा ली आपने कि जीरो जीरो बोलो जा रहे हो क्यों भाई? अब ये माइनस आपके पास आ गया, देखो ये थ्री फिर थ्री माइनस। अब आपको क्या करना है ध्यान से देखो एवरी वन लोग, ये माइनस है बीच में देखो क्वेश्चन में सारे माइनस ही हैं क्या? अगर सारे माइनस हैं तो इसका आंसर तो कुछ और आएगा निकल के। थ्री माइनस, अब ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, थ्री प्लस थ्री सिक्स और माइनस सिक्स और थ्री माइनस थ्री आंसर है। जो बच्चे जीरो बोल रहे थे अब क्या हो गया भाई? जीरो तो नहीं आया। आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी से एडवांस ले समझा करो, अब ये तो भैया गड़बड़ हो गई। आप तो जीरो जीरो कह रहे सर सब में माइनस माइनस है, लेकिन इसमें एक माइनस ने क्या करा उसे प्लस कर दिया, माइनस को प्लस बना दिया। हमने कल बताया था, हमने कल परसों बताया था, हमेशा ध्यान रखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू नहीं नहीं प्लस प्लस माइनस होगा, प्लस प्लस का प्लस ही होगा। सेम साइन, सेम साइन के मल्टीप्लाई ऑलवेज विल बी द सेम साइन के मल्टीप्लाई प्लस में होंगी और डिफरेंट साइन के मल्टीप्लाई माइनस में। क्लियर है? ये याद रखनी पड़ेगी बातें। अगर आप ये छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखेंगे तो फिर आपको मैथ्स समझ में नहीं आने का। मैथ्स को सीखने के लिए इट इज द मस्ट टू लर्न द रूल्स, ये रूल है हमारे, ये रूल है, ये रूल है। आप इनको रूल्स को याद करेंगे तभी आप समझेंगे आप अच्छे भैया बहन। बुक में भी है, यस बुक में तो सारी चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन इज ओनली क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेवनटीन माइनस स्क्वायर ब्रैकेट, यस बेटा एट माइनस, कोई बात नहीं अब सही करो, एट माइनस सिक्स माइनस टू राउंड ब्रैकेट, फाइव माइनस टू प्लस वन। इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज का नो बेटा आज नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा टिपिकल है, फिर समय नेक्स्ट होगा, हम आपको कल प्रैक्टिस कराएंगे, आपसे कल प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता नहीं। हैव यू डन द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन? क्वेश्चन नंबर सेवन का सॉल्यूशन कर चुके हैं आप? एवरी वन ऑब्जर्व द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर एट। सर भैया बहन बोर्ड पर देखिए, सब पहले देखो भैया, आप लिखने के चक्कर में रहते हो, लिखने की मैं चैन देता हूँ पूरा। दिस इज ए सेवनटीन माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एट माइनस कर्ली ब्रैकेट सिक्स माइनस टू राउंड ब्रैकेट, और एवरी वन ऑब्जर्व
ये पार ब्रैकेट है, दिस इज ए पार ब्रैकेट, तो 2 प्लस 1 3, 5 माइनस 3, यस वेरी गुड। कर्ली ब्रैकेट हमारा आई है, 17 माइनस 8 माइनस 6, अंदर को भाई एक बार सुनो, लिसन 1 टाइम पहले मेरी बात सुनिए, 2 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा। जब किसी नंबर के बीच में कोई साइन दिखाई नहीं देता, उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2, ये बात समझ में आई। 2 और इस ब्रैकेट के बीच में साइन नहीं है, हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई साइन से कीमत तो 17 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 6 माइनस 4, 17 माइनस राउंड ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट 8 माइनस 6 माइनस 4, 2, वेरी गुड। और 8 माइनस 2 6, और 17 माइनस 6 दिस इज आंसर। हमारी एक्सरसाइज 5.2 इज द कम्प्लीट। सभी भैया बहन यहाँ भी करें, घर जाकर प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो को देखकर जो समझ में नहीं पाए आप उसे दोबारा से देखकर सीख सकते हैं, ठीक है, ओके।